हेलो फ्रेंड्स, आज की जो रेमेडी है आपके कलर को इम्प्रूव करेगी, दाग धब्बों को रिमूव करेगी। बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। चेहरे का कलर कैसा भी हो यह मायने नहीं रखता है, लेकिन हमारे चेहरे पे ग्लो होना चाहिए, हमारा चेहरा बेदाग होना चाहिए और उस पर रौनक होनी चाहिए। केमिकल वाली चीज़ें यूज करने से हमारा चेहरा धीरे धीरे डल हो जाता है, हमारी स्किन डैमेज हो जाती है, हम पूरा दिन घर के कामों में लगे रहते हैं, तो उसमें से 10 से 15 मिनट हमें अपनी स्किन के लिए ज़रूर निकालना चाहिए। और किचन में ही कुछ चीज़ें मौजूद होती है जिससे हम अपने चेहरे को खूबसूरत बना सकते हैं, ग्लो ला सकते हैं उस पर। तो चलिए देखते हैं कि रेमेडी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे हमें लेना है फिटकरी। कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे सामने ही होती है और हम उसे इग्नोर कर देते हैं, तो फिटकरी को हमें इस तरह से, आप चाहिए तो मिक्सी जार में ऐड करके ग्राइंड कर लें, या फिर आप जिसमें अदरक कूटते हैं उसमें भी इसे कूट के बारीक पाउडर बना सकते हैं। ये कितना भी आप बारीक करोगे हल्का सा दरदरा ही रहता है। इसकी क्वांटिटी हमें बस थोड़ी सी ही ऐड करनी है रेमेडी में। सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना है 1 चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह पे मुल्तानी मिट्टी भी ले सकते हैं। 1 चम्मच मैंने चावल का आटा लिया है और 1 चुटकी हमें यहाँ पे ऐड करना है फिटकरी का जो हमने पाउडर बनाया है। 1 चुटकी हम यहाँ पे हल्दी भी लेंगे, ये वाइट टर्मरिक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप गाँठ वाली हल्दी भी यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच हनी। फिटकरी जो है हमारे चेहरे से दाग धब्बों को बहुत तेजी से रिमूव करता है। पिगमेंटेशन के अगर निशान आपके चेहरे पे है, चाहे 10 से 15 साल पुरानी झाइयां हैं, उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा इस रेमेडी से। यहाँ पे हमने 1 चम्मच हनी लिया है। हनी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है। और उसके बाद हमें यहाँ पे ऐड करना है 8 से 10 ड्रॉप कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल अगर आपको सूट नहीं करता तो आप इसमें बादाम ऑयल भी ले सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हमें ऐड करना है रोज वाटर। रोज वाटर ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करना है। एक स्मूथ सा पेस्ट हमें इसे बना लेना है। मिक्स करने के बाद हमें इसे 2 मिनट के लिए रख देना है रेस्ट करने के लिए, जिससे कि यहाँ पे जितने भी इंग्रेडिएंट हमने लिए हैं एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद हमें इसे अपने चेहरे पे अप्लाई करना है। चेहरे पे अप्लाई करने के पहले हमें फेस को अच्छे से धो लेना है। उसके बाद हमें इसे पूरे फेस पे अप्लाई करना है और इसे आपको रेगुलर अपने चेहरे पे अप्लाई करना है। आप एक रूटीन बना लीजिए कि आपको हफ्ते में इसे 2 बार अप्लाई करना है या 3 बार अप्लाई करना है। बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं तो आप इसे 3 बार हफ्ते में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे नहीं तो 1 बार भी अप्लाई करेंगे, 10 से 15 दिन में भी 1 बार आप अप्लाई करेंगे तो भी आपके चेहरे पे एक नेचुरल सा ग्लो बना रहेगा। लेकिन अगर पिगमेंटेशन के निशान है तो आपको इसे हफ्ते में 3 बार अप्लाई करना है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप थोड़ा सा इसे अप्लाई करने के पहले एक पैच टेस्ट कर लीजिएगा। वैसे तो ये पूरी तरह से नेचुरल है, होममेड रेमेडी है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। फिर भी जिसकी स्किन सेंसिटिव होती है उसे जल्दी कोई चीज़ें सूट नहीं करती है, तो अप्लाई करने के पहले एक पैच टेस्ट आप कर सकते हैं। पूरे फेस पे हमें अप्लाई कर लेना है। ये रेमेडी बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनी है तो ये पतला सा ही लेयर लगेगा। ब्रश की मदद से या फिर हाथों की मदद से हमें लगा लेना है पूरे फेस पे और 10 मिनट के लिए हमें इसे रखना है। एक दो बार अप्लाई करने के बाद ही नॉर्मल फर्क दिख जाएगा। रिमूव कर देना रेमेडी है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि एक बार अप्लाई करने से ही आपका चेहरा पूरी तरह से बेदाग हो जाएगा, क्योंकि झाइयों के जो निशान होते हैं उन्हें रिमूव करना मुश्किल होता है, ये आपको भी पता है। पैक रिमूव करने के बाद कोई भी फेस वॉश या सोप का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। धीरे धीरे आपकी झाइयां जड़ से खत्म हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, चेहरा आपका बेदाग हो जाएगा, स्किन पे ग्लो आएगा, स्किन आपकी चमकने लगेगी और आपको कोई भी महंगे प्रोडक्ट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने स्किन को बेदाग और ग्लोइंग बनाने के लिए। तो आई होप ये रेमेडी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई, वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नई रेमेडी शेयर करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और यहाँ पर मैंने फेस पैक रिमूव किया है। रिमूव करने के बाद आप देख रहे हैं चेहरे पर किस तरह का ग्लो आया है। और उसके बाद मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ रोज वाटर। जब भी आप फेस वॉश करते हैं कुछ ना कुछ तुरंत अपने चेहरे पे अप्लाई कर लीजिए। अगर स्किन हमारी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है उसके बाद कुछ भी हम चेहरे पे अप्लाई करते हैं तो हमारे चेहरे पे ग्लो नहीं आता है, चेहरा हमारा डल ही दिखता है। और जब भी फेस वॉश करते हैं कभी भी टॉवल से आपको फेस को रगड़ रगड़ के नहीं पोंछना है, इससे हमारी स्किन डैमेज हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट एमडी के साथ।